हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉप 10 लॉ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। इससे पहले मैंने आपको क्लैट के बारे में बताया था। जो बच्चे लॉयर बनना चाहते हैं तो वो क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लें, और जब आफ्टर आपका क्लैट का जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है सो दैट कि आपको ईजी रहे। ये है टॉप 10 लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। हमारी इंडिया के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट प्लेस पर रखी गई है, रैंकिंग के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, तो मैं आपको बताती हूँ। और ये बताने से पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि मैं आपके लिए इनसे रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड जो है नई नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। लेट्स स्टार्ट। टॉप 10 लॉ कॉलेजेस जो इंडिया के अंदर है अकॉर्डिंग टू NIRF। NIRF क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट होता है जो आपके इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ होती है उनको उनकी रैंक प्रोवाइड करवाती है, उनके स्टेटस को देखकर, उनके काम को देखकर, उनके अंदर कैसी जो है टीचिंग होती है, उनको क्या रिज़ल्ट है उन यूनिवर्सिटीज़ का, उनको देखकर जो है ये रैंकिंग प्रोवाइड करवाती है। तो इसके अंदर जो 10 यूनिवर्सिटी है वो उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर जो है आपकी है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ये बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, ये बेंगलोर के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी 1986 के अंदर। इसका जो कैंपस है बहुत बड़ा है, 23 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। मोस्टली इस यूनिवर्सिटी की जो स्पेशलाइजेशन है वो ह्यूमन राइट लॉ और बिजनेस लॉ के अंदर है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है कुछ काफ़ी सारे जो प्रोग्राम हैं वो डिस्टेंट जो लर्निंग है उसके बेस के ऊपर भी कुछ जो कोर्सेज है ये प्रोवाइड करवाती है। तो इसका रैंक जो है इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट रैंक है। जिन बच्चों की जो कट ऑफ लिस्ट में जो मार्क्स है जो हाई आएंगे, जो नियरली अपर लेवल पर होंगे, उनका उन बच्चों का जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एडमिशन है बहुत ही इजी वे से हो सकता है। सेकंड नंबर पर आपके आती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये दिल्ली के अंदर है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2008 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। इसको ए ग्रेड दिया गया है इसके स्ट्रक्चर को देखकर, इसकी टीचिंग को देखकर, और ये डिग्री कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाती है लॉ के अंदर। और इसकी जो कैटेगरी आई थी 2018 और 19 के अकॉर्डिंग इसको सेकंड रैंक पे रखा गया है, और ये दिल्ली में सिचुएटेड है। ओके, थर्ड नंबर पर आपके आती है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ये हैदराबाद के अंदर सिचुएटेड है। 1998 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। पहले जो थी ये सेकंड रैंक पर थी, बट अब ये थर्ड रैंक पर आ गई है। ठीक है, इससे जो बच्चे पास आउट होते हैं लॉ करके, लॉ की डिग्री लेने के बाद बड़े अच्छे अच्छे जो रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ से स्टूडेंट्स लेके जाते हैं, और यहाँ की जो सैलरी होती है जो बच्चे पास आउट होते हैं उनकी सैलरी मैक्सिमम जो है 15 लाख अराउंड हो जाती है। ठीक है, और जो कंपनीज होती है लाइक AZB एंड पार्टनर, खेतान एंड का CEO, और L&L पार्टनर्स, मजुमदार एंड पार्टनर्स, जो ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो यहाँ से जो है स्टूडेंट्स जो है वो रिक्रूटमेंट करके लेकर जाती है। ठीक है, फिर आपके आती है IIT खड़गपुर। ये जो है खड़गपुर में जो है ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ये 3 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये अप्रूव की गई है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 2006 में, और इसका नंबर आता है रैंक नंबर 4th। ओके, फिर आपके आता है द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी 1999 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये भी जो है लॉ से रिलेटेड कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाती है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? सॉल्ट लेक सिटी ऑफ कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर ये प्रेजेंट है। और ये क्या है कि जो लॉ से कोर्सेज जो है ये प्रोवाइड करवाती है स्टूडेंट्स को। इसकी रैंकिंग नंबर आती है 5। ये 5 नंबर पे आती है रैंकिंग के हिसाब से।
फिर उसके बाद आपके आती है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये गुजरात के अंदर सिचुएटेड है और इसका जो ये स्ट्रक्चर है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने सुझाया था, सो दैट कि जो बाहर से कंट्री से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो इसको देखकर थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है ना यूनिवर्सिटी को देखकर। तो क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया था, और इसके अंदर भी जो लॉ से रिलेटेड कोर्सेज है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 2003 में जो है ये यूनिवर्सिटी बनी थी, ठीक है। तो ये रैंकिंग करती है आपकी 6 नंबर पर, ओके। फिर आपकी आती है 7 नंबर पर आती है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, ये है पुणे के अंदर, ठीक है, पुणे के अंदर है और ये भी लॉ से रिलेटेड जो है कॉलेज है। और ये क्या है कि इसको जो है पेशवा के टाइम में ये जो यूनिवर्सिटी जो है वो बना दी गई थी, 1977 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये यूनिवर्सिटी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस के नाम पे ये जो है यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और इसको जो है ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे ऑक्सफर्ड जो यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, वैसे ही इंडिया के अंदर इसको ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट का नाम जो है वो दिया गया है, ओके। ये है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल जो पुणे के अंदर सिचुएटेड है। फिर आपकी आती है जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी जो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया नगर के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर ये सिचुएटेड है। इस्टेब्लिश ओरिजिनली इस्टेब्लिश एट अलीगढ़ के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी, बट प्रेजेंट डे यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। 1920 में ये क्या है, इसको बनाया गया था इस यूनिवर्सिटी को। करंट लोकेशन जो है इसकी ओखला के अंदर है, 1935 में ये इसको ओखला के अंदर जो है इसको शिफ्ट किया गया, और उसके बाद 1962 में इसको क्या है कि जो है जो यूजीसी के थ्रू जो है इसको अप्रूवल दे दिया गया था, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ये है 1988 के अंदर इसको बना दिया गया था, ओके। फिर आपके आती है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ठीक है। ये पब्लिक लॉ स्कूल है, इसके अंदर भी लॉ से रिलेटेड जो है कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये पटियाला के अंदर है, ठीक है। पटियाला कहाँ है, पंजाब के अंदर। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2006 के अंदर, किसने बनाया था इसको, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है। और इसके अंदर जो लीगल एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है। इसका फर्स्ट वाइस चांसलर जो है वो गुरजीत सिंह थे, और अब जो करंटली है इसको डॉक्टर परमजीत जायसवाल जो है वो चला रहे हैं, और इसको अप्रूव किया गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये भी जो लॉ कॉलेजेस है उनमें से इसका रैंकिंग नंबर जो है वो 10 पर है, ये पंजाब के अंदर, ठीक है। तो ये थे आपके 10 टॉप कॉलेजेस ऑफ लॉ, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।